भोपाल के अवैध बालिका गृह से गायब 39 बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस बालिका गृह पर धर्म परिवर्तन किए जाने के आरोप हैं और बिना इजाजत के अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। भोपाल के परवलिया में बालिका गृह से गायब हुई 39 बच्चियों को उनके परिवार के पास भेज दिया गया है। इस मामले में भोपाल कलेक्टर कौशलेन विक्रम सिंह ने बताया कि बालिका गृह की जांच कराई गई। जिन 26 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन था वो सभी बच्चियां अपने परिवार के पास पाई गईं। बाकी 39 बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। छिंदवाड़ा की दो बच्चियों को CWC के सुपर हिट कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया ये बालिका गृह बिना परमिशन के चलाया जा रहा है। अगर बालिका गृह अपना परमिशन नहीं बताता है तो इसे तोड़ने के निर्देश दिए जाएंगे। जाँच के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो अपना काम कर रही हैं। ये टीमें काम कर 3-4 दिन में सारी रिपोर्टें पेश कर देंगी। देखिए बालिका गृह में जो है हम लोगों ने उस दिन जांच कराई थी। हमारी सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो 26 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन था और वो वहाँ पे नहीं थी तो वो सभी अपने अपने पेरेंट्स के पास मिली। सबसे पहले हमने वो काम किया, फिर जो बाकी बच्चियाँ थीं उनमें से 39 बच्चियों को उनको पेरेंट्स को दे दिया। दो छिंदवाड़ा की बच्चियाँ थीं वो CWC छिंदवाड़ा को हम लोगों ने पहुंचाया। इसके अलावा उन बच्चियों का पूरा ध्यान रखना ये पहली प्रायोरिटी थी, वो काम पूरा हो गया। दूसरा काम हमने उसकी लैंड की जांच, उसकी फंडिंग की जांच और जो दूसरे उसके जो भी पहलू हैं सभी पहलुओं की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई थी। वो टीमें अपना काम कर रही हैं। 3-4 दिन का टाइम दिया था, अब वो 1-8 दिन में रिपोर्ट दे देंगी। जिस भी पहलू पे गलती पाई जाएगी उस पर सख्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।